नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अवैध असलाह का कारोबार करने वाले गिरोह का पुआ पर्दाफाश, असलाह का जखीरा बरामद। विगत महीनों से जनपद में अवैध असलाह फैक्ट्री संचालित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए जिला पुलिस ने दो आरोपियों को दबोच लिया और उनके पास से भारी मात्रा में अवैध असलाह व कारतूस समय असलाह बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि विगत दिनों से जनपद में हो रहे अवैध असलाह के कारोबार पर सिकंजा कसने के लिए पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने सख्त निर्देश दिए थे, जिसको लेकर क्षेत्र अधिकारियों समेत सभी थाना प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्र में अवैध असलाह कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया। छिबरामऊ क्षेत्राधिकारी शिव कुमार थापा के निर्देशन में छिबरामऊ कोतवाल हरिशंकर समेत उनकी पुलिस टीम ने गुरुवार की देर रात क्षेत्र के ग्राम भरौली में छापामारी करते हुए अवैध रूप से संचालित असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर दिया। इस दौरान पुलिस टीम ने दो शातिर बदमाशों विक्रम सिंह पुत्र मुंशी लाल वर्मा निवासी ग्राम भरौली एवं रणवीर शाह के पुत्र भीकम शाह निवासी ग्राम दुर्गापुर थाना मोहम्मदाबाद जिला फरुखाबाद को दबोचा, जबकि दो आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सीबू सैनी की रिपोर्ट। हाँ, देखिए, छिबरामऊ में कल 9 तारीख को लगभग शाम को लगभग 11:30 बजे करीब सूचना के मिलने के बाद छापे डाले गए थे। एक ग्राम भरौली पड़ता है, सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है अवैध तमंचा का निर्माण कर रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं। तो उसके सूचना पर पुलिस ने लगभग 11:30 बजे करीब में दबिश डाली थी। तो दबिश से वहाँ मौके से दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं और दो व्यक्ति भागने में भाग गए। वहाँ मौके से लगभग छः तमंचे मिले हैं, जिसमें तीन कंप्लीट रूप से बने हैं जो आपस में चालू हालत में हैं, तीन में कुछ कमी है जो कि वही चालू भी बने हुए हैं, और एक राइफल मिला है जो ये बने हुए हैं। छः तमंचे और एक राइफल बने हुए हैं, बाकी शस्त्र बनाने के जो उपकरण हैं वो इसमें बरामद हुए हैं और दो व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए हैं। एक व्यक्ति का नाम रणवीर साग है जो मोहम्मदाबाद फरुखाबाद रहने वाला है, और एक विक्रम सिंह वर्मा है जो छिबरामऊ जनपद कन्नौज के रहने वाले हैं। जो दो भगे हुए अपराधी हैं, एक पप्पू नाम है, एक राम सच्चे वर्मा है जो भगे हुए हैं। जो लोग भगे हुए हैं उनके खिलाफ पुलिस की दबिश संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है, शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी और दोनों से इंट्रोगेशन किया गया है। इंट्रोगेशन में कुछ बातें उन्होंने बताई है, उसके बारे में भी उनकी जो कड़ियाँ हैं वो हम लोग इसमें जोड़ रहे हैं, और भी जो इसमें संभावित होंगे उनको साक्ष के आधार पर उनके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या जनपद से बाहर भी इसकी सप्लाई की जाती है कुछ? अभी जो बता रहे हैं, क्योंकि एक तो इसमें जो पकड़ा गया है मोहम्मदाबाद का रहने वाला है, दो मोहम्मदाबाद के, इसमें एक जो भगा हुआ है वो मोहम्मदाबाद का, एक जो पकड़ा है वो भी मोहम्मदाबाद का है। तो इसी से स्पष्ट हो रहा है कि ये पास पास में जो फरुखाबाद भी है, मैनपुरी भी है, वहाँ पर भी ये लोग सप्लाई करते होंगे। इसके बारे में अभी इसका ट्रेल है वो हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये लोग भेजते थे, और भी जो लोग जो इसमें संभावित हैं उनके खिलाफ जल्दी गिरफ्तारी करके कार्रवाई करेंगे, और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।